नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की आगाज करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है आज। शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो वहीं दोपहर 2 बजे मेला हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। हरिद्वार में सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी बीच दोपहर 2 बजे पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने जा रहे हैं। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति जल्द इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। सीएम धामी के साथ यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष डी जस्टिस रचना प्रकाश देसाई ने भी गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस विषय पर चर्चा भी की और उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून को रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह से बैठक के बाद सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्दी सरकार को प्राप्त हो जाएगा। कमेटी के लोग अपना काम कर रहे हैं और यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से संकेत दिया गया है कि जो यूसीसी है उस मामले में ये सांकेतिक बयान सामने आया है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी ड्राफ्ट को तैयार की जाए और सौंपी जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो है विशेष समिति जल्द इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी के साथ यूसीसी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जनरल रंजना प्रकाश देसाई ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस विषय पर चर्चा भी की है। साथ ही अगर उम्मीद जताई जा रही है कि जो 15 दिनों के भीतर जो रिपोर्ट है वह सौंपी जा सकती है, साथ ही अब इसे विधानसभा के जो पटल है उस पर रखा जाएगा और कानूनी जो रूप है उसकी प्रक्रिया देने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिटी कोड को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और इसका नतीजा है कि जल्द ही जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सरकार को मिल सकता है। जी बहुत शुक्ला, बहुत तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला। तो 15 दिन के अंदर सौंपी जाएगी रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के बयान से निकल करके सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं, ये देहरादून में लगातार अमित शाह की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। इस साल उत्तराखंड में G20 सम्मेलन और देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर जैसे बड़े आयोजन हो चुके हैं, जबकि नरेंद्र नगर में इसी महीने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। तो वहीं महीने के अंत में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन भी आयोजित किया जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों के निवेश के साथ ही लोगों का हाल ही में छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में बड़े आयोजन हो चुके हैं, जबकि कुछ बड़े आयोजन अभी भी होने बाकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे सभी आयोजनों पर कहा है कि जब भी इस तरह के बड़े आयोजन प्रदेश में होते हैं तो प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से आने वाले मेहमानों में प्रदेश के प्रति विशेष प्रभाव भी पड़ता है। देखिए, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो या अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या वैश्विक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का सम्मेलन होना है जिसमें
लगातार तीन दिनों तक बहुत इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट जिनको विशेषज्ञ बोलते हैं उनके द्वारा जो मंथन किया जाएगा, अपने विचार साझा किए जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक योजना बनाई जाएगी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, हिमालय के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, वहीं राज्य के लिए एक बड़ा एक्सपोजर होगा कि इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अपने दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे, उसके बाद केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आध्यात्मिक से गहरा नाता है, जिसको देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने अभी से उनके दौरे को लेकर तैयारियां यहां पर शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ जी आध्यात्मिक पुरुष हैं और यशस्वी राजनेता हैं। स्वाभाविक रूप से उनका बद्रीनाथ केदारनाथ आगमन पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी उनके स्वागत सत्कार के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो किए जा रहे हैं और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम उत्साहित हैं उनके दौरे को लेकर। तो अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ भी जाएंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर यहां पर तैयारियां तेज हो गई है। कल बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज शाम उत्तराखंड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्षेत्रीय परिषद की बैठक होना है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर हैं और परिषद की बैठक में शामिल होने वाले हैं। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आएंगे और शिरकत करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय बैठक, ये जो परिषद की बैठक होगी, हेलो जी जी बोलिए, ये जो बैठक होगी इसमें गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह बैठक की आयोजित की जाएगी, जिसमें यह बैठक कल 7 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसमें इस बैठक में 24वीं बैठक होगी, साथ ही साथ इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इस फैसले के बाद यदि बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएंगे और वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद वो लखनऊ वापस हो जाएंगे, यानी यह दो दिवसीय दौरा योगी आदित्यनाथ का रहेगा। वहीं इस दौरे की यदि बात की जाए तो यह 24वीं बैठक होगी, यह टिहरी के नरेंद्र नगर जिले में होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही साथ दो मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। वहीं इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। अहम फैसले में जो यहाँ पर पलायन है, सीमांत क्षेत्रों का पलायन संबंधी फैसला लिया जाएगा और वहीं इको फ्रेंडली जोन का नोटिफिकेशन जो रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर भी फैसले किए जाएंगे। तो यह फैसला जो यहाँ पर जो बैठक की जा रही है, यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी आ रहा है दोस्तों, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यहाँ पर लगातार इस तरीके की बैठक भाजपा के द्वारा की जाएगी। इसके बाद यदि बात की जाए अमित शाह की, तो अमित शाह देहरादून में प्रदेश कार्यालय आएंगे और वहां पर वो भी बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं बैठक में ही वो ये भी बताएंगे कि चुनावी रणनीति क्या बननी चाहिए, कैसे उत्तराखंड में वोट बैंक को बढ़ाया जाए और कैसे देश में फिर से सत्ता पर काबिज की जाए। तो इस प्रकार से बैठक अपने आप में एक अहम बैठक मानी जा रही है या उत्तराखंड की अहम बैठक हो रही है। यशराज, लगता है कि इस बैठक में, क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें गृह मंत्री भी आ रहे हैं। किस तरह की तैयारी है और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी, क्या होने वाला है?
जी बिल्कुल, क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में जो वर्क रहेगा, इस बैठक का जो नेतृत्व रहेगा, काम रहेगा, ये नेतृत्व अमित शाह के नेतृत्व में बैठक की जाएगी। इसका काम जो रहेगा, इसमें उत्तराखंड में पांचों जो संसदीय क्षेत्र है उस पर मंथन होगा और उसके बाद पूरे देश में किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए इस पर बैठक होगी। साथ ही साथ पन्ना प्रमुखों की बात की जाएगी और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में किस प्रकार से वोट बैंक और बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार जो है उत्तराखंड में स्थिति थोड़ी चिंताजनक बनती नजर आ रही है। दो क्षेत्रों पर लगातार कांग्रेस भी काफी ज्यादा कांग्रेस की भी प्रबल दावेदारी महसूस हो रही है, लेकिन साथ ही साथ यदि बात की जाए कि अमित शाह के इस दौरे से जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, यह प्रभाव जो है ये जरूर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा के द्वारा रणनीति बनानी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई रणनीति नहीं बना रही है। कांग्रेस के द्वारा अभी तक उत्तराखंड चुनाव को लेकर ये की बात करें या लोकसभा पूरे प्रदेश देश में चुनाव की बात करें तो वो अभी तक शांत बैठी हुई, वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के भरोसे ही काम कर रही है कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग शामिल होंगे, उसके बाद ही यह काम चलेगी। लेकिन भाजपा के द्वारा लगातार अभी प्रदेश का दौरा भी किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जो एक बहुत चर्चित चेहरा बन चुके हैं, सीएम देहरादून आने वाले हैं और आने के बाद यहाँ से फिर वो केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। जी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है यशराज की मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो केदारनाथ धाम भी पहुंचने वाली, वहां पर किस तरह की तैयारी है मुख्यमंत्री को लेकर? जी बिल्कुल खुशबू, मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ धाम में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के धाम के दर्शन करेंगे, इस दर्शन के लिए तैयारियां वहां शुरू हो चुकी है। वहां पर जो है अजेंद्र अजय ने बताया कि वहां पर तैयारियों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था कर दिए गए हैं, तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और वहीं श्रद्धालुओं को भी जिस समय योगी आदित्यनाथ आएंगे वहां पर श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक दूसरी लाइन रहेगी, यो वीआईपी गेट से अंदर जाएंगे और साथ ही साथ वो दर्शन करके तुरंत वापस आ जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए लगातार सभी प्रकार के तैयारियां कर ली गई हैं, एलआईयू को वहां पर भेज दिया गया है, खुफिया विभाग वहां पर चली गई है, पुलिस की टीम वहां पर तैनात कर दी गई है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के भी वहां पर डॉक्टरों की टीम को भी भेज दिया गया है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया यशराज और अन्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दो दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड के, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे उत्तराखंड और परिषद की बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा के आगामी रणनीति को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन भी होगा ताकि आगे के जो चुनाव हो वो किस तरह से यहां पर जीता जा सके। खबर देहरादून से है जहां 7 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह के टून प्रस्तावित दौरे को लेकर ड्यूटी में लोग लगी फोर्स को अलर्ट किया गया है। पुलिस लाइन में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अश्मन की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई है। इस दौरान अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है। कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी प्वाइंट पर पहुंचने का यहां पर निर्देश दिया गया है। वहीं ड्यूटी के दौरान फोन में बिजी रहने की हिदायत भी दी गई है। वीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम से पूर्व ही पूरे रूट का निरीक्षण कर ले, कमी होने पर कार्यदायी स्थान को बताएं। वहीं एसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किया गया है। इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर और जिसकी तैयारियाँ चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही उनके अन्य प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है इसमें कर्मचारियों के और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ की गई है और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले के दो दिवसीय दौरे को लेकर पिथौरागढ़ में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत के साथ साथ नैनी सैनी हवाई अड्डे के सभा स्थल तक दीवारों पर सांस्कृतिक चित्रकारी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले में आगमन पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके लिए प्रशासन और संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। युद्ध स्तर पर शासन स्तर से सुरेश जोशी को कार्यक्रम प्रभारी भी नियुक्त किया गया है जो पूरे कार्यक्रम का निर्देशित करते नजर आएंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह लोगों में अपने नेता को एक झलक देखने की एक चाहत है लोगों में, तो हमने यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का जो समाज
उनसे मिलना चाहता है या उनकी एक झलक देखना चाहता है, उसके लिए नैनीसैनी हवाई पट्टी से लेकर के स्टेडियम में जो हमारा सभास्थल है वहां तक 1.5-2 दर्जन ऐसे स्थान है जहां पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उनका स्वागत लोग करना चाहते हैं अपनी कला से अपनी संस्कृति से, तो उसकी तैयारियां जिला प्रशासन और हमारे जिलाध्यक्ष जी दोनों मिलकर के कर रहे हैं, जिले के लोग कर रहे हैं। देहरादून में 9 अक्टूबर को विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण देने की योजना है। विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का 1 माह का बढ़ाया कार्यकाल था, जिसके बाद अब 9 अक्टूबर को समिति की दूसरी बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में हरिद्वार से 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी में शामिल लोगों का प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का यहां पर आरोप भी लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि 1974 में डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अशोक गुप्ता के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को काफी साहस मिला है। बसपा और भाजपा छोड़कर भी कई लोगों ने कांग्रेस के विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी का दामन थामा है। इनमें से कुछ प्रधान है जबकि कुछ उपप्रधान है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस भाजपा के कुशासन के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रही है तब लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे पार्टी को साहस मिलेगा। संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी जो 1974 में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रहे, उन्होंने आज ज्वाइन किया है और उससे हमारे को काफ़ी साहस मिला है। बसपा और बीजेपी छोड़ के कई साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, जिसमें कुछ प्रधान हैं कुछ पूर्व प्रधान हैं, तो ये हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है, जिसमें हम एक बहुत कठिन लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीण लोग आकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही पार्टी का मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव आते आते ये स्थितियां और तेजी से बदलेंगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार बीजेपी को घेर रही उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला अब उत्तराखंड का भ्रमण करेंगी। दरअसल पिछले महीने सीएम आवास कूच के दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्षता ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी को न्याय में देरी के आरोप में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था। इसी पर ज्योति रौतेला महिला न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि वे देवप्रयाग में गंगा तट से यात्रा शुरू करेंगी और सभी जिलों से होते हुए पौड़ी में यात्रा को संपन्न करेंगी। हम लोगों ने 21 सितंबर को जो अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, उसको लेकर मैं हर जिले में जाके एक न्याय यात्रा महिला स्वाभिमान की यात्रा का महिला स्वाभिमान के लिए एक सम्मेलन में जिले वाइज अभी शुरू कर रही हूँ और इसमें कल हम लोग देवप्रयाग से शुरू कर रहे हैं। देवप्रयाग टिहरी उत्तरकाशी पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊँ की तरफ जाऊँगी और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से अपने प्रदेश के लोगों से कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी, वो वीवीआईपी कौन है और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, देवभूमि में जो रेप केसेस पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपाय के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमान में घर में बाहर लाइसेंस देने पर तंज कसते हुए कहा कि शुरुआत में युवक को इसलिए दिया गया ताकि रिएक्शन देखा जाए, इसके बाद लोगों में शराब को लेकर आनंद आने लगेगा तो बाद में हर घर शराब बनेगा, हर घर शराब बिकेगा और हर घर शराबी मिलेंगे। इसलिए अभी एक व्यक्ति को दिया है कि
लोगों का रिएक्शन देख लें। अब लोगों को आनंद आ रहा है इसमें, हर घर शराब बनेगी, हर घर शराब बिकेगी, हर घर शराबी पैदा होगा, ये सरकार का नारा है। पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था, अब हर घर बोतल होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने देहरादून स्थित लैंड सोडोन चौक पर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। वहीं प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जिस तरह से 10 घंटे तक ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, सिर्फ झूठे गवाहों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया, वो पूरी तरह से कानूनी तौर से गलत है और हम उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार और मोदी स्वयं अपनी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गुना के जेल में डालने का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2024 में वो देख चुके हैं कि उनका पतन शुरू हो गया है और पतन शुरू होने की शुरुआत से वो इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने पहले मनीष सिसोदिया जी को, जैन साहब को जेल में डालने का काम किया, साल भर होने वाला है, और कल तत्काल ही उन्होंने ईडी की 10 घंटे की जो जांच थी जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, केवल एक व्यापारी के गवाही के ऊपर वो संजय सिंह जी को जेल में ले गए कि व्यापारी ने कहा कि उन्होंने चुनाव में पैसा मांगा था। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आप चुनाव में अडानी अंबानी के जो घर भरने का काम करते हैं, आप चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? पीएम केयर फंड में जो आपने पूरे देश का जो पैसा ले रखा जिसमें आप आरटीआई तक लगाने नहीं देते, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? पूरे देश के अंदर जो आपने सरकारी धरोहर बेच दी, उस भ्रष्टाचार का क्या होगा? आपने इतने बड़े बड़े कर्म कांड यहाँ इस देश के अंदर कर दिए, आपने इस देश को महंगाई की कगार पर पहुंचा दिया, बेरोजगारी की कगार पर पहुंचा दिया, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्वयं आप आखंड तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ईमानदार पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जो ईमानदारी से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर एक मॉडल सिद्ध करना चाहती है स्वास्थ्य का और शिक्षा का, आप उसे खत्म करने पर लगे क्योंकि आपके पास कोई मॉडल नहीं है। देवभूमि मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।